संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के चेयरमैन प्रसून जोशी ने फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने से पहले मीडिया को फिल्म दिखाने पर नाराजगी जाहिर की है। CBFC के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा, फिल्म को बिना सर्टिफिकेट मिले मीडिया को दिखाया गया और इसका रिव्यू चैनल्स पर चलाया गया, ये बेहद निराशाजनक है। प्रसून जोशी के मुताबिक ये सिस्टम और संतुलन के बीच समझौते जैसा है, जबकि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। जोशी ने आगे कहा, यह अपनी सुविधा के लिए लापरवाही से बोर्ड पर दबाव बनाने के लिए किया गया काम है। ये नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने जैसा है और जो कि अवसरवादिता की मिसाल है। बोर्ड के चेयरमैन ही यहीं नहीं रुके और फिल्म के सर्टिफिकेट को लेकर कहा, फिल्म के रिव्यू के लिए इस हफ्ते आवेदन दिया गया है, लेकिन फिल्म के निर्माताओं ने जो दस्तावेज जमा किया है वो पूरे नहीं है। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जो डिस्क्लेमर वाला कॉलम था वो भी खाली था। बोर्ड ने उन्हें ज़रूरी दस्तावेज जमा करने को कहा था, लेकिन फिल्म का पहले ही दिखा दिया जाना बेहद ही निराशाजनक है। वहीं ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज़ होनी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे जनवरी के शुरुआती हफ्तों तक के लिए टाला जा सकता है। आरोप ये है कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी को महामंडित किया गया है। खिलजी और रानी पद्मावती के बीच ड्रीम सीक्वेंस फिल्माया गया है। रानी पद्मावती को वैसा दिखाया गया जैसा राजपूत या राज परिवारों में कभी नहीं होता। घूमर डांस में भी राजपूत समाज की गलत प्रस्तुति का आरोप है। इसी को लेकर करणी सेना समेत कई राजपूत संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। फिल्म रिलीज होने पर सिनेमाघरों को आग लगाने और दीपिका पादुकोण का नाक काटने तक की धमकी दी गई है। और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।